हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जल डमरू मध्य, मतलब प्रमुख जल संधियाँ। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो दो भूखंडों को जल से क्या करती, अलग करती है, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देरी न करते हुए आगे चलते हैं। ये पार्ट वन है, आगे देखिए। ये जो है ये पार्ट वन है। अभी इसके आगे का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि पार्ट वन, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं पार्ट वन और पार्ट टू करके लाया हूँ। तो अभी पार्ट वन देखिए, चलिए। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। बोला है कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? तो आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सी जल संधि, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? मलक्का जल संधि। ये कहाँ है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है ना दोस्तों? और इसके अलावा और पूछता है ये कौन कौन से सागर को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है अंडमान सागर को, है ना? अंडमान सागर को किससे जोड़ता है? चीन सागर से, ना दोस्तों? चीन सागर से ये क्या करता है? जोड़ता है मलक्का जल संधि। और ये किन दो देशों के बीच में? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है ना दोस्तों? चलिए, इसके अलावा और भी ऑप्शन को देखें। तो पहला दिया है ए, पाक जल संधि। ये किसके बीच है? ये है भारत और श्रीलंका, ठीक है ना दोस्तों? श्रीलंका, है ना? इन दोनों के बीच क्या है? पाक जल संधि। ये भारत और पाकिस्तान नहीं, ये है भारत और श्रीलंका, ठीक है दोस्तों? अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सुंडा जल संधि। इसको भी हम लोग देखते हैं, ये कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये सुंडा कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। और किन दोनों के बीच है? ये जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में, ठीक है ना दोस्तों? अब आते हैं यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल ये कहाँ है दोस्तों? ये है मोरक्को, मोरक्को और क्यूबा के बीच में, है ना? क्यूबा के बीच में। और इन सबको भी मैं नीचे पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आपको बस इतना, मैं सबका चारों ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब इसके मैप में देखते हैं ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आप यहाँ मैप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है देख रहे हैं? स्टेट ऑफ मलक्का। ये जो दिख रहा है ये मलक्का है। इधर ये मलेशिया आपका हो गया, रुकिए एक मिनट फिर से करते हैं, आपको साफ दिखे। ये हो गया आपका मलेशिया, और ये इधर क्या है? इंडोनेशिया। ये जो भाग है ये इंडोनेशिया की, ये पूरा ये सब क्या है? इंडोनेशिया का भाग है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? मलक्का स्टेट। आप इसका लोकेशन देख लीजिए, भारत के क्या है? पूर्वी साइड में, पूर्वी और दक्षिणी साइड में स्थित है। और ये देखिए अंडमान सागर है, ये चाइना सागर है, ठीक है ना? साउथ चाइना सी है, इन दोनों को बीच में करता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। चलिए, बोला है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है। अभी मैंने आपको बताया है कौन सी जल संधि है, यह है पाक जल संधि, ठीक है? ये कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों? चलिए अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बाब उल मंदेव। ये कहाँ है? ये है आपका बाब उल मंदेव। ये क्या करता है? लाल सागर को किससे जोड़ता है? अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाब उल मंदेव किसे जोड़ता है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से। चलिए दोस्तों, कुक जल संधि पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग सबको देखते आए हैं, तो इसीलिए हम इसको भी बताएं। कुक जल संधि कहाँ है? ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में क्या है? कुक जल संधि। और बास जल संधि कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया, है ना दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि। चलिए, इसका लोकेशन हम लोग देख ले कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे इंडिया, ठीक है दोस्तों? ये इंडिया का पोर्शन हो गया, ये श्रीलंका, इन दोनों के बीच में यहाँ देखें ये पाक स्टेट है, ठीक है दोस्तों? चलिए, अगर आपको मैं मैप से बता रहा हूँ तो ये आप लोग को और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको करेक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि मैप लाकर आपको अच्छे से समझाने का। चलिए दोस्तों, चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर थ्री पर। बोला है कि जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है, ठीक है दोस्तों? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? चलिए, तो आपके ऑप्शन है ए,
बी सी या डी। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्या है सुंडा जल संधि। ठीक है दोस्तों, सुंडा जल संधि क्या करता है, ये जावा सागर को हिंद महासागर में क्या करता है, जोड़ता है दोनों से। और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, ये इंडोनेशिया में है ना, इंडोनेशिया में स्थित है क्या ये जावा सागर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखते हैं, यूकाटन चैनल ये कहाँ है, क्योंकि सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, यूकाटन चैनल है। ठीक है ना, यूकाटन जल संधि है। चलिए इसको भी मैं नीचे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको रिवाइज करवा दूँ। बाब उल मंदेव ये आपको बताया हूँ किस कहाँ है, बाब उल मंदेव ये लाल सागर और अदन की खाड़ी है ना, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में क्या है, बाब उल मंदेव संधि। चलिए दोस्तों, कुक जल संधि अभी हम लोग ऊपर पढ़े, जस्ट पढ़े हैं। कुक जल संधि कहाँ है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में क्या है, कुक जल संधि। तो चलिए इसका दोस्तों लोकेशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये आपका लोकेशन हो गया है ना, ये क्या है, सुंडा स्टेट। देखिए ये सुंडा स्टेट है ना, ये पूरा सुंडा स्टेट है। आप देखिए इधर इंडियन ओशन है, देखिए नीचे लिख दिख रहा है आपको इंडियन ओशन है, और इधर जावा सागर है ना, तो इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता कौन है, सुंडा स्टेट जोड़ता है। और देखिए ये सब पूरा इंडोनेशिया का भाग है, ये सब सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया का भाग है, ये सुमात्रा द्वीप हुआ, जावा द्वीप हुआ, ये सब क्या है, इंडोनेशिया का भाग है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। बोला है कि मोरक्को और क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कौन सी जल संधि है, आपका यूकाटन जल संधि। यूकाटन जल संधि ये कहाँ है, मोरक्को और क्यूबा के बीच में जल संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग जल संधि। इसको भी हम लोग देख लें, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ है बेरिंग जल संधि, ये है हमारा रूस और अलास्का के बीच, अलास्का जो अमेरिका का भाग है। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ 1000 द्वारों की घाटी बोला जाता है अमेरिका की, अलास्का, इन दोनों के बीच में कौन सी बेरिंग जल संधि है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, डोवर जल संधि। ठीक है ना दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लें, तो ये कहाँ है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता कौन जोड़ता है, डोवर जल संधि। अब पूछ दिया कि किस दो देश को अलग करता है या अलग करता है, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। ठीक है जल्दी चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, फ्लोरिडा की जल संधि, क्योंकि इसको भी हम लोग देख लें, तो ये क्या करता है, ये किसके बीच है, यूएसए और क्यूबा के बीच में है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है, कौन है, फ्लोरिडा की जल संधि। चलिए दोस्तों इसकी लोकेशन अब हम लोग देख लें, तो देखिए यहाँ है क्या, देखिए फ्लोरिडा की जल संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ये दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, और ये नीचे क्यूबा है, ऊपर देखिए ये अमेरिका है। ठीक है ना दोस्तों, इन दोनों के बीच में, और ये किसको जोड़ता है, ये अटलांटिक ओशन को किससे जोड़ता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको की, मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, कौन से जोड़ता है, आपका फ्लोरिडा जल संधि। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, बोला है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है, तो आपके ऑप्शन है ए बी सी या डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया बाब उल मंदिर जो स्थित है, समझे दोस्तों, बाब उल मंदिर लाल सागर और अदन सागर के खाड़ी के बीच में स्थित है। चलिए दोस्तों इसके अलावा हम लोग और भी ऑप्शन को देखें, तो ये ऑप्शन नंबर सी बॉस ये कहाँ है, हम लोग पढ़े हैं ऊपर ही, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है ना, तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है, बॉस जल संधि है। फ्लोरिडा अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं, फ्लोरिडा ठीक है, ये अमेरिका और क्यूबा के बीच में क्या है, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है दोस्तों, अमेरिका और क्यूबा जो कि क्या करता है, अटलांटिक सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी देख लें हम लोग, टोरस जल संधि, क्योंकि हम सबको देखते आए हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये स्थित कहाँ है, ये है न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, कौन सी जल संधि है, आपकी टोरस जल संधि। चलिए इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं दोस्तों, यहाँ लोकेशन है, देखिए यहाँ क्या है, देखिए बाब उल मंदिर छोटा सा दिख रहा होगा, रुके जूम करते थोड़ा सा, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा बाब उल इल मंदिर है ना, देखिए गल्फ ऑफ अदन, मतलब अदन की खाड़ी है, ऊपर ये रेड सी, इसको जूम आउट करते थोड़ा सा, ये देखिए ऊपर है ना रेड सी है ना दोस्तों, ये देखिए ऊपर रेड सी और इधर गल्फ ऑफ अदन, इनको बीच क्या है, बाब उल मंदिर है। ठीक दोस्तों चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला है कि उत्तरी न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच कौन सी जल संधि स्थित है। अभी आपको मैं ऊपर बताया था, ठीक है दोस्तों, क्या बताया था, चलिए ऊपर हम लोग इसको करते पूरा। तो चलिए ऊपर आपको क्या बताया था, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये कुक जल संधि है, ठीक है। ये कहाँ बीच में है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है, कुक जल संधि है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं, बॉस जल संधि, ये भी हम लोग ऊपर पढ़े, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया और उसके नीचे क्या है तस्मानिया, ठीक है ना, तस्मानिया के बीच में कौन सी है बॉस जल संधि। अब देखते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि कहाँ है, इसको भी हम लोग देख लो क्योंकि सबको देखते आए हैं तो इसको हम लोग देखना अब इसलिए है। तो ये कहाँ है, अलास्का और रूस के बीच में है, है ना, अलास्का और रूस के बीच में कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस जल संधि ये कहाँ है, इसको भी हम लोग देख लें क्योंकि सबका लोकेशन देखते आए हैं तो इसको भी हम लोग देख लें बॉस्पोरस का। तो ये है काला सागर, है ना, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है ना, मरमरा सागर को जोड़ता है और इसकी लोकेशन करेक्ट क्या है, तुर्की में स्थित है ना, तुर्की में ये स्थित है कौन सी, बॉस्पोरस जल संधि, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कुक जल संधि हो जाएगा, जो कि क्या करता है उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से जोड़ता है। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट हम लोग लोकेशन देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका है स्टेट ऑफ कुक, है ना, कुक जल संधि, ये न्यूजीलैंड का पूरा पोर्शन है, ये पूरा टोटल क्या है न्यूजीलैंड का भाग है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोला है कि टोरस जल संधि कहाँ स्थित है, टोरस जल संधि कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है ए बी सी या डी, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े क्या टोरस जल संधि कहाँ था, ये आपका था आराफू सागर तथा न्यू पापुआ गिनी के मध्य क्या है टोरस जल संधि, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है टोरस जल संधि, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा हम लोग और भी देते हैं, काला सागर और मरमरा सागर को भी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं, अभी बताएं आपको काला सागर मरमरा सागर के बीच क्या है, यहाँ बॉस्पोरस, है ना, बॉस्पोरस जो कहाँ स्थित है तुर्की में, तुर्की में स्थित है, ठीक है दोस्तों, तुर्की में स्थित का क्या है ये आपका बॉस्पोरस जल संधि। और लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच कौन सी है, यह है बाब उल मंदेव, बाब उल मंदेव अभी आपको ऊपर में बताया था। चलिए ऑप्शन नंबर डी तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर के मध्य कौन सी है, है ना, तो तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के मध्य क्या है बॉस जल संधि, है ना, बॉस जल संधि जो कहाँ स्थित है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट लोकेशन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपको हो गया क्या है टोरस स्टेट, ये देखिए ऊपर पापुआ न्यू गिनी नीचे ऑस्ट्रेलिया और ये किसको किसको अलग कर जोड़ता है, ये देखिए आराफू सी, है ना, आराफू सी है तो किन दोनों के बीच है न्यू पापुआ गिनी और आराफू के बीच में कौन सी जल संधि है टोरस जल संधि, ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के भी बीच में स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है, अभी हम लोग पढ़ते आए हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है, क्योंकि हम लोग नीचे ही पढ़ते आए हैं, तो क्या है ये ऑप्शन नंबर बी बॉस जल संधि, ये किसके बीच में है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, ये कुक जल संधि अभी आपको मैं ऊपर पढ़ाया था उत्तरी न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में, दक्षिणी न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है कुक जल संधि। पाक जल संधि सबको पता है कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है दोस्तों, श्रीलंका के बीच में। बेरिंग जल संधि अभी आपको बताएं ऊपर ही बताया हूँ कई बार, ये कहाँ स्थित है अलास्का और रसिया के बीच में क्या है बेरिंग जल संधि, अलास्का, अलास्का और रसिया, है ना, रूस इसको बोलते हैं, ये इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि बेरिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये बॉस जल संधि हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके करेक्ट लोकेशन पे हम लोग चलते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, देखिए बॉस स्टेट नीचे है ना, देखिए बॉस स्टेट नीचे है, चलिए ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ नीचे देखिए तस्मानिया है, ठीक है दोस्तों, तस्मानिया है और ये ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में क्या है बॉस स्टेट। चलिए ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
बोला है अलास्का तथा रूस के बीच में कौन सी जल संधि। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कौन सी जल संधि है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बेरिंग जल संधि, क्योंकि अलास्का और रूस के बीच में क्या है, ये बेरिंग जल संधि। अच्छा ठीक है, ये अलास्का और रूस के बीच में अगर पूछ दिया कौन कौन से सागर को जोड़ता है, तो ये भी हमको जानना जरूरी है। तो ये किससे जोड़ता है, आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक सागर जो सबसे उत्तरी में है, आर्कटिक सागर को किससे जोड़ता है, प्रशांत महासागर से, है ना। प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन सी जल संधि, जोड़ती है बेरिंग जल संधि। चलिए ऑप्शन नंबर ए डोवर जल संधि, हम लोग इसको भी देखते आए। ये क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है, फ्रांस के मध्य, जो कि क्या करता है, ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ता है, उत्तरी सागर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, जिब्राल्टर संधि, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी के भी नाम से जानते हैं जिब्राल्टर, और इसको भी क्या नाम है, भूमध्य सागर के हम लोग कुंजी के नाम से जानते हैं। और ये किन दोनों के देश के बीच में स्थित है, स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है, अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, डेविस जल संधि, इसको भी हम लोग देख लें। तो ये क्या है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि है, डेविस जल संधि है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या किसको किसको जोड़ती है, बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग लोकेशन अब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोकेशन है आपका, ये बेरिंग स्टेट हो गया, इधर अमेरिका का भाग है, देखिए अलास्का यूएस, और इधर रसिया का भाग है। ठीक है दोस्तों, ये सब कहाँ है, ये बेरिंग जल संधि। ऊपर देखिए आपका आर्कटिक ओशन है, नीचे क्या है, हिंद प्रशांत महासागर है, मतलब पैसिफिक ओशन है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या है, बेरिंग स्टेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए दो भाग में इसको बनाया हूँ। चलिए दोस्तों, बोला है कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच कौन सी जल संधि है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बी या सी, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि मैंने आपको भी ऊपर बताया ये कहाँ स्थित है, तुर्की में, टर्की में स्थित है। ये कहाँ है, तुर्की में स्थित है। कौन सी जल संधि, बास्पोरस जल संधि। ये किसको अलग करती है, अरे जोड़ती है काला सागर को और मरमरा सागर को, ये जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर ए हार्मुज जल संधि, क्योंकि हम लोग सबको देखते आए हैं, इसको भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग सबको देखेंगे। चलिए, ये कि कहाँ बीच है, ये फारस की खाड़ी, हार्मुज जल संधि कहाँ गया, ये फारस की खाड़ी से, और किसको जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है, आपकी हार्मुज जल संधि, ओमान और ईरान के बीच में इसकी है। चलिए अब फ्लोरिडा जल संधि हम लोग देखते हैं, क्योंकि सबको देखते हैं फ्लोरिडा, ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर और किस, मेक्सिको की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है। और ये यूएसए और क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि। जिब्राल्टर संधि भी जस्ट हम लोग ऊपर पड़े, हिंद महासागर की कुंजी बोलते हैं, स्पेन और मोरक्को के बीच में ये स्थित है, और ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बास्फोरस जल संधि, जो कि क्या करता है, काला सागर को मरमरा सागर के जोड़ता है। चलिए इसका करेक्ट लोकेशन हम लोग दोस्तों देखते हैं, तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ क्या है, बास्फोरस स्टेट है, ये क्या है आपका, बास्फोरस स्टेट है, और ये क्या करता है, ब्लैक सी काला सागर को और सी ऑफ मरमरा, मतलब मरमरा सागर को काला सागर को यहाँ से जोड़ता है। और ये पूरा भाग किसका है, यूरोप में तुर्की का स्थित, इधर भी तुर्की है, इधर भी तुर्की स्थित है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताइए, और मेहनत अच्छा हो रहा है, और कोशिश किया जा रहा है कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए मैंने मैप का भी यूज किया, जिसमें बहुत ही मेहनत लगा है। तो प्लीज़ दोस्तों, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।